तमिलनाडु के सिबलिंग्स सिंथिया और जया ने एक ऐसे मटेरियल से क्लॉथ यानी कपड़ा बना लिया है जो काफी ज्यादा अनयूजुअल है। और ये फैब्रिक है बनाना फैब्रिक। पर बनाना के पेड़ से फैब्रिक बनता कैसे है? सिंथिया और जया इस फैब्रिक से क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनको बनाना के पेड़ से फैब्रिक बनाने का आइडिया आया कैसे? प्रोफेशन से एक फैशन डिजाइनर और स्टाइलिस्ट हूँ और इस फील्ड में मैं काफी टाइम से काम कर रही हूँ और जिस वजह से मुझे कुछ भी शॉपिंग करना बहुत पसंद है। पर ओवर टाइम इस फील्ड में काम करते करते सिंथिया को रियलाइज हुआ कि फास्ट फैशन से काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और इससे बहुत ज्यादा वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। माना जाता है कि फैशन इंडस्ट्री वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है और जब ये बात मुझे पता चला मैंने अपने भाई के साथ ये बात डिस्कस किया है। और श्रीनित्या के भाई ने उन्हें सजेस्ट किया कि क्यों ना वो अपने फैशन डिजाइनिंग के नॉलेज को यूज करके कुछ ऐसा बनाए जो सस्टेनेबल हो और जिसको पहनकर नेचर को हार्म करने का कोई गिल्ट भी ना हो। और थोड़ी सी डिस्कशन के बाद डिसाइड कर लिया कि हम अपनी फर्म स्टार्ट करेंगे जिसमें सस्टेनेबल या बायोडिग्रेडेबल कपड़े बनाएंगे। तो श्रीनित्या अलग अलग फैब्रिक्स को ट्राई करने लगी जो एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म पहुंचाते हों। हम कई सारी फैब्रिक्स को टेस्ट किया जैसे कि सिल्क उल कॉटन इनके सारी फैब्रिक्स को टेस्ट किया पर हम सैटिस्फाइड नहीं थे। श्रीनित्या और ज्यादा रिसर्च करने लगी और उनको पता चला कि बनाना के ट्रीज से फैब्रिक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये सुपर इको फ्रेंडली है। यस, एक्चुअली एक ग्रोन अप बनाना का पेड़ ज्यादातर एक ही बार हार्वेस्ट देता है और उसके बाद इसका ये वाला पार्ट काम का नहीं रहता जिसकी वजह से उसे काट के मोस्टली फेंक दिया जाता है या फिर इसे जला दिया जाता है। इस कटे हुए पार्ट में दोबारा नया पेड़ तो ग्रो हो जाता है पर कट किया हुआ पार्ट वेस्ट हो जाता है। ये काफी अनफॉर्चुनेट बात है कि बनाना पेड़ को वेस्ट किया जा रहा था क्योंकि इनसे बहुत अच्छा और सस्टेनेबल फैब्रिक बनाया जा सकता है। तो हमने बनाना फार्मर्स से वेस्ट मटेरियल को सोर्स किया। तो लेट्स सी कि बनाना के वेस्ट से ये फैब्रिक बनता कैसे है और इस फैब्रिक से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। पहले ही पेड़ों को प्रोडक्शन एंड में लाया जाता है फिर कटर से काट किया जाता है फिर जैसे इसमें फाइबर्स बनाते हैं फिर उसको संग्रह करने के बाद हम सोक किया जाता है फिर हाथों से कोम करके स्ट्रेटन किया जाता है और जिस स्ट्रेटन और अनटैंगल होने के बाद स्पिनिंग मशीन में डाल के इस थ्रेडों को हैंडलूम से कन्वर्ट कर दिया जाता है फिर बाद में हम नेचुरल या टॉक्सिक फ्री डाइस को कलर करके फिर हम डिजाइन और स्टिचिंग करते हैं और इस तरह से कपड़े बनके तैयार हो जाते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने नोटिस जरूर किया होगा कि किस तरह से पूरा प्रोसेस कम से कम मशीन्स और रिसोर्सेस को यूज करके बनाया जा रहा है। ये क्लोथ्स ब्रीदेबल लाइट वेट और बायोडिग्रेडेबल होते हैं और अपनी स्टार्टअप को मलिमा का नाम दिया था और इससे मलिमा में फिलहाल तो स्कार्फ्स और यूनिसेक्स शर्ट्स बनाई जा रही हैं बट जल्दी ही ये और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और होपफुली नेचर में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। एंड आई एम श्योर कि हम सब यही चाहते हैं। तो अगर आपको मलिमा का आइडिया अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करके और लोगों को जरूर बताइएगा कि बनाना फाइबर से इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैंशन कि हमें मलिमा का आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम उनकी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। आज ज़्यादातर स्टार्टअप्स एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें बनाने में फोकस कर रहे हैं एंड एज अ सिटीजन हमें भी ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए जो एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचा रहे हैं। राइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीक।